दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं ये बताऊंगा कि ऑर्डर मशीन किस तरीके से चलानी चाहिए और ऑर्डर मशीन चलते चलते जो इसके बुरादे होते हैं, जो इसमें से निकलते हैं, इस पिस्टनों में घुस जाते हैं, काम करना बंद कर देती है। कि जब आप ऑर्डर चलाते हैं, जो दबाने की कोशिश करते हैं तो वो दबती नहीं। तो मैं आज ये बताऊँगा कि ऑर्डर मशीन किस तरीके से खोल कर सुधार सकते हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि इनके जो प्लग होते हैं, ये प्लग शॉर्ट हो जाते हैं। तो हमारे कारपेंटर भाई सीधा जाते हैं मैकेनिक के पास, इन परेशानियों को बताते हैं और वो 200-250 रुपया ले लेता है। आज हम इस मशीन को खुद सुधार के दिखाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तरीके से मशीन चलने में दिक्कत करती है। तो गलता करना हो खाली तो आपको ये बीट लगानी होगी, तो आप ये बीट लगा लीजिए। अच्छे से इसको टाइट कर लीजिए। ये आपकी लाख हो गई। काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको लॉक करके उठा के चला रहे हैं। वैसे ये तरीका सही नहीं है। कभी कदार क्या होता है दोस्तों, किसमें कचड़े फंस जाते हैं तो ये पंच करना बंद कर देता है। तो इसको हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं।
ये हमारी चूड़ी होती है, इसे देख सकते हैं, इसको हम खोल लेते हैं। ये हमारा है, देखिए ये देख सकते हैं कितना इसके अंदर बुरादा भरा हुआ है। इसी वजह से ये पंचकर्ता नहीं है, उसे बहुत दिक्कत होती है पिस्टन करने में। अब इसके अंदर ये बहुत मिलेगा बुरादा, इस तरीके से आप इसको खोल लीजिए, फिर इसको आप वापस इसी तरीके से इसको फिट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि किस तरफ से हमने खोला है, किस तरफ से हमको फिट करना है। देख रहे कितना फ्री हो गया है ये। इसी तरीके से आप वापस इसको लॉक कर दीजिए, ये लॉकिंग सिस्टम है। ठीक है, आप इसको जैसे लॉक कर दीजिए, ये लॉक हो गया। अब आप इसको पलट लीजिए, पलटने के बाद ये आपकी चकनट है, इसको आप पहले डाल दीजिए। इस तरीके से आप इसको टाइट कर दीजिए कि आपकी मशीन की सफाई भी हो गई, कोई ऐप भी नहीं होगा। यानी ऐसे आप परेशान होंगे, आपको जानकारी नहीं है तो आप मैकेनिक के पास जाओगे कि ये जाम हो गया है, तो इसमें क्या होता है ना, सारे बुरादे जो होते हैं ना वो फंस जाते हैं। आप इसके ऊपर से टोपी आप लगा दीजिए, ये कम ज़्यादा घटाने वाला है। जैसे कि इलाक खोल दिया हमने तो ये जाके आपका ये रुक गया। अगर आपको जो है और घटाना है तो आप ऊपर करिए इसको, ये कम खुलेगा, ये कम पिस्टन होगा। ठीक है, ये हो गई मशीन की सफाई। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, इसका सूच गड़बड़ हो जाता है, चलते चलते एक ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाती है, तो कारपेंटर समझता है कि मशीन ख़राब हो गई, उसको ले जाता है मैकेनिक के यहाँ। अब मैकेनिक 100-200 रुपये ले लेता है। सबसे पहले इसका जो है प्लग चेक करें कि प्लग क्या बता रहा है। इसको आप खोल लीजिए, ये हमने खोल लिया, ये हमने इसको देख लिया यहाँ से। दोस्तों हमने इसको खोल लिया है, और खोलने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये मशीन डायरेक्ट चलाने के बाद अगर ये चल गई तो समझ लीजिए सूज आपका गड़बड़ है। सूज आपका सही है, इसी तरीके से आप चेक करेंगे। आप इसको ले जाकर वापस इसी तरीके से इसको टाइट कर दें। देखो इसका सूच जो है बहुत तेज खराब होता है। मार्केट जाइए, एक सूच लेके आइए,
ये स्विच खोल के ले जाइए, दूसरा स्विच लेके चले जाइए, अब उसी तरीके से उसको फिट कर दीजिए। बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर ये हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। हमारी मशीन पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। अब हम ये चला के आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरीके से चल रही है।